हेलो फ्रेंड्स, हेलो, वेलकम टू यूट्यूब चैनल नॉलेज इन्फो। आज हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सर्च इंजन के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, आप सभी जानते हैं कि आज के दुनिया में यानी कि आज के समय में हर व्यक्ति के पास मोबाइल है, हर व्यक्ति के पास कंप्यूटर सिस्टम है, और चाहे स्कूल, कॉलेजेस, ऑफिस, हर सिस्टम जो है टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। और वो टेक्नोलॉजी जो है इंटरनेट के द्वारा जो है चलती, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब यानी WWW के द्वारा संचालित होती है, जो कि कैलिफोर्निया में है। देखिए, जो वर्क स्टेशन है यानी कि जो जितने भी हमारे कंप्यूटर के सर्वर्स होते हैं, जितने भी हमारे इंटरनेट के सर्वर्स होते हैं, वो आप सभी जानते हैं कि समुद्र के अंदर लाइन को एक्सल फाइबर ऑप्टिक केबल लाइन के द्वारा जो है सप्लाई की जाती है। लेकिन हम लोग जो सर्च करते हैं वो हमारे सिस्टम के आईपी एड्रेस के थ्रू सर्च इंजन से जो है कनेक्ट होकर हम वेबसाइट के द्वारा देख पाते हैं। अब आपको हम बताना चाहते हैं सर्च इंजन होते क्या हैं। सर्च इंजन एक प्रकार के सॉफ्टवेयर, इनको नहीं कहा जा सकता। सर्च इंजन वो होते हैं जिनके द्वारा हम डिफरेंट वेबसाइट से जुड़ करके जो है अपनी मन मुताबिक डाटा या इन्फॉर्मेशन को अपने सिस्टम में पाते हैं। बहुत सारे सर्च इंजन के नाम हैं, जैसे कि गूगल, याहू, बिंग, आस्क, AOI, WOOW, और भी बहुत सारे सर्च इंजन हैं जो कि जिनके द्वारा हम लोग जो है डाटा इन्फॉर्मेशन को जो है अपने सिस्टम पे पाते हैं। सर्च इंजन से सबसे अच्छी बात यह है कि हम अपने सर्च इंजन के द्वारा जो है यूट्यूब भी देख सकते हैं, ठीक है, और कोई भी सर्च करते, जैसे कि हमने वर्ड्स कंप्यूटर सिस्टम हमने सर्च इंजन पे डाला, ठीक है, तो उसका रिजल्टेंट हमें जो देता है वो डिफरेंट वेबसाइट्स और डिफरेंट लिंक्स और डिफरेंट वीडियोज़ के लिंक्स के तौर पर हमें देता है। तो कुछ लिंक्स जो है यूट्यूब के मिलते हैं, कुछ लिंक्स हमें डिफरेंट वेबसाइट्स के भी मिलते हैं। तो ये जो सर्च इंजन क्या होता है, सर्च इंजन एक प्रकार का वास्ट पूल ऑफ रिसोर्सेज होता है जो कि वेबसाइट्स और अदर लिंक्स का होता है, के द्वारा जो है हम अपने मन मुताबिक डाटा इन्फॉर्मेशन को जो है पा पाते हैं इजीली अपने कंप्यूटर सिस्टम, अपने टैबलेट, लैपटॉप, डेस्कटॉप, किसी भी सिस्टम में पा सकते हैं जो हमारे इंटरनेट कनेक्टिविटी से जुड़ा ISP से होता है। सर्च इंजन आज के समय बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि विदाउट सर्च इंजन हमारी लाइफ अधूरी सी हो गई, क्योंकि सर्च इंजन जो मेन सोर्स होता है नॉलेज का यानी कि ज्ञान का, ठीक है। तो बहुत सारे लोग जो हैं जो वेबसाइट्स बनाते हैं, वेबसाइट्स उनके देखी जाती हैं, वेबसाइट्स तो वो सर्च इंजन के द्वारा देखी जाती हैं, और सर्च इंजन जो होता है वर्ल्ड वाइड वेब से जुड़ा होता है, और वो हमारे आईपी एड्रेस यानी कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस को डिफाइन करके जो है हमें सर्विसेज को प्रोवाइड करता है इंटरनेट की मदद से। सर्च इंजन की बेनिफिशियल ये है, ये सरफेस वेब पे सबसे ज़्यादा वर्क करता है, यानी कि सर्च इंजन जो होता है वो सरफेस वेब पे वर्क करता है। तीन प्रकार के होते हैं वेब, हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, सरफेस वेब, डीप वेब, डार्क वेब, तीन प्रकार के वेब होते हैं। लेकिन जो सर्च इंजन होता है वो सरफेस वेब पे काम करता है, और इसमें विकीपीडिया भी जुड़ा होता है, यानी कि विकीपीडिया भी एक प्रकार का सर्च इंजन ही है जो आपको इन्फॉर्मेशन को देता है। जैसे गूगल है, वो भी एक प्रकार का सर्च इंजन है, और भी बहुत सारे सर्च इंजन है जैसे याहू, गूगल, एक्साइट, अल्टाविस्टा, लाइकॉस, बहुत सारे सर्च इंजन हैं। मैं किसी का फेवर नहीं ले रहा हूँ कि कौन सा सर्च इंजन क्या है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ बहुत सारे सर्च इंजन जो हैं हमारे इंटरनेट पे अवेलेबल है, जिसके द्वारा जो है इंफॉर्मेशन हम लोग को मिलती है, प्राप्त होती है। तो थैंक यू फ्रेंड्स, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा नॉलेज इन्फो को।